नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल एंड नेचुरल टेक्निकल वर्ल्ड की सच्ची कहानी श्रृंखला में। प्यारे भाई बहनों, हमें कभी भी भूल कर भी, हम चाहे किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, और चाहे किसी भी इष्ट को अपना पूजनीय मानते हों, दिल से किसी की भी पूजा करते हों, किसी को भी अपना देवता मानते हों या फिर भगवान का ही नाम लेते हों, लेकिन हमें किसी भी अन्य के इष्ट की या जिन्हें वो दिल से मानते हों उनकी कभी भी उनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। यदि हम मान नहीं कर सकते, किसी का सम्मान नहीं कर सकते, तो अपमान भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका कभी कभी बहुत ही बुरे दुष्परिणाम देखने को मिल जाते हैं। आज की सत्य घटना इसी पर आधारित है, और वास्तविकता में ज्ञान की स्थिति वह है जब हम किसी से न तो प्रेम करें और न किसी से द्वेष करें, अर्थात न किसी से ईर्ष्या हो न किसी से प्रेम हो। बीच की जो स्थिति होती है, साम्य स्थिति जो होती है, वह एक विद्वान मनुष्य के अंदर होती है। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के एक गांव की यह सत्य घटना है, जो कुछ ही वर्ष पूर्व की है इस वीडियो वीडियो के रिकॉर्डिंग से। हरिद्वार के एक पंडा जी सवाई माधोपुर जिले के गांव में गंगाजल लेकर जाते और लोगों को प्रसाद रूप में थोड़ा थोड़ा बांटते। लोग उन्हें दक्षिणा में एक एक दो दो रुपए अपनी श्रद्धा अनुसार दे दिया करते थे, उसी से उनकी आजीविका चलती थी। एक बार वे कुछ लोगों को गंगाजल प्रसाद के रूप में दे रहे थे, उनमें से एक नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति भी था। पंडा जी ने उसे भी गंगाजल दिया। उसने सकुचाते हुए गंगाजल ले तो लिया, परंतु हाथ मुंह के पास ले जाकर गंगाजल को न पी करके और चुपचाप से अपमान करते हुए पीछे फेंक दिया। पंडा जी की दृष्टि जब उस व्यक्ति पर पड़ी तो उन्हें बड़ा दुख हुआ, और होना ही था। आप जिसको अपना इष्ट मानते हो उसका आप अपमान कैसे सहन कर सकते हैं? यह हो ही नहीं सकता कि हम किसी के प्रति आस्था भाव रखते हों और कोई सामने वाला उनके प्रति कोई अपशब्द कहे या उनकी कुछ ऐसी बात कहे जो अप्रिय हो, वो हमसे असहनीय होती है। ऐसा ही पंडा जी के साथ हुआ, और वह वहाँ से चुपके से निकल गए। पंडा जी की दृष्टि जब उस व्यक्ति पर पड़ी तो उनकी आंखों में आंसू से आ गए। वे तुरंत वहां से हरिद्वार के लिए वापस चले गए। इस घटना से उन्हें इतना दुख हुआ कि वे गंगा किनारे बैठकर रोने लगे और कहने लगे, हे गंगा माँ, कलयुग में व्यक्ति तेरा अपमान करने लगे हैं, यह अपमान मुझसे सहन नहीं होता। अतः अब मैं गंगा जल को आजीविका का साधन नहीं बनाऊंगा, चाहे मुझे भूखा ही क्यों न मरना पड़े। आजीविका का दूसरा धंधा भी मुझसे होता नहीं, अब क्या करूं? इस प्रकार अत्यधिक चिंतित होकर रोते हुए रात में घर आकर वह सो गए। उसी रात स्वप्न में उन्होंने देखा कि गंगा मैया आई और बोली, बेटा रोते क्यों हो? जिसने मेरा अपमान किया है वही व्यक्ति तुम्हारे चरणों में आकर रोएगा, 2 दिन धैर्य रखो। जब पंडा जी की निद्रा भंग हुई तो वे बड़े प्रसन्न मुद्रा में थे। अब वे बड़ी आतुरता से अगले 2 दिनों की प्रतीक्षा करने लगे। उधर गंगा जल का अपमान करने वाला वह नास्तिक व्यक्ति शौच आदि क्रिया के लिए गांव से बाहर गया था। वहां पर एक गाय अपने स्वभाव बस वहां पहुंच गई थी। उस दुष्ट ने एक छोटा सा पत्थर उठाया और गाय के सिर में मार दिया। देववश गाय तुरंत वहीं मर गई। उसने उधर उधर देखा कि यहाँ कोई उसे इस हालत में देख तो नहीं रहा है। वह तुरंत घर आ गया। किसी ने उसे इस कुकृत्य करते देखा तो नहीं, पर जब वह अपनी दुकान पर आकर बैठा तब उसके पास 10-5 व्यक्ति और बैठे हुए थे कि अचानक उसने देखा सामने वही गाय उठकर बाजार में आ गई है। अपने पड़ोसी की गाय होने के कारण वह तुरंत उसने पहचान ली। वह विचार करने लगा कि अरे यह गाय कैसे जीवित हो गई। उसने इस आश्चर्य भरी कौतूहल भरी घटना को पास में जो व्यक्ति बैठे हुए थे उन्हें सुनाया।
बोला, अरे भाइयों यह देखो बड़े आश्चर्य की बात है, यह गाय मर गई थी लेकिन फिर जिंदा होकर कैसे आ गई। यह सुनकर वहां बैठे सभी लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए। वे सभी लोग बड़े कौतूहल से पूछने लगे, यह सब कैसे हुआ। तब उसने सुबह की घटना का जिक्र किया और घटना सुनाते हुए बीच में ही एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा उठाकर उस गाय के ऊपर फेंकते हुए कहा कि ऐसे ही मैंने सुबह मारा था। अभी यह वाक्य उसने पूरा ही किया था कि वह गाय सबके सामने देखते ही देखते बीच बाजार में मर गई। तुरंत ही यह चर्चा पूरे गांव में बिजली की तरह फैल गई। गांव वालों ने और जाति वालों ने कहा कि गौहत्या भयंकर पाप है, शास्त्र विहित प्रायश्चित करो, गंगा स्नान करो, कुछ ब्राह्मण भोजन कराओ और भागवत कथा आदि का अनुष्ठान करो, अन्यथा जाति से बहिष्कृत कर दिए जाओगे। वह तुरंत चल दिया और हरिद्वार आया। पंडा जी तो गंगा मैया के स्वप्न के अनुसार स्टेशन पर इंतजार ही कर रहे थे। वह गौ हत्यारा पंडा जी के चरण पकड़कर रोने लगा। पंडा जी भी पहचान गए कि यह वही गंगा जल का अपमान करने वाला व्यक्ति है। उस व्यक्ति ने रोते हुए पूरा विवरण सुना दिया कि मैंने गंगा जल का अपमान किया जिससे मेरे द्वारा कल गौ हत्या हो गई, अब प्रायश्चित के लिए गंगा स्नान करने आया हूं। पंडा जी ने गंगा तट पर आकर मंत्रों द्वारा गंगा जी का पूजन कराया तथा उसके प्रायश्चित किए लिए गंगा मैया से प्रार्थना की। घर आकर उस व्यक्ति ने भागवत कथा ब्राह्मण भोजन भी प्रायश्चित के लिए किया। इस प्रकार गंगा मैया का अपमान करने के कारण उसे यह दंड प्राप्त हुआ। शास्त्रों में भी माँ गंगा की जो महिमा है वह अनंत बताई गई है, जो वर्णन भी नहीं की जा सकती। उनका जो द्रव्य स्वरूप है वह साक्षात ब्रह्म का ही स्वरूप मान के और उनको पूजन किया जाता है, पूजित किया जाता है, मान सम्मान किया जाता है। और यह सर्वविदित है, हम सभी जानते हैं शास्त्रों के अनुसार कि जब तक अस्थियों का विसर्जन गंगा जल में नहीं किया जाता, गंगा जल का संपर्क जब तक अस्थियों से नहीं होता, तब तक पूरी तरह से मुक्ति नहीं मिलती है आत्मा को। प्यारे भाई बहनों, इस घटना का सार यही है कि हमें भूल कर भी कभी भी किसी भी देवी देवता का या किसी अन्य दूसरे धर्म का, जाति का और उनके इष्ट का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाहे कोई भी देवी या देवता रहा हो, वह हमसे तो हर हाल में बड़े ही हैं, क्योंकि उनके पास देवी शक्तियां हैं। गीता में भी प्रभु श्री कृष्ण ने स्वयं बताया है, स्वयं कहा है कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी किसी से न राग करते हैं और न किसी से द्वेष करते हैं, अर्थात उन्हें न किसी से प्रेम होता है, न किसी से द्वेष होता है, किसी से ईर्ष्या होती है। जो व्यक्ति सुख दुख लाभ हानि मान अपमान तथा जय पराजय में एक समान रहता है, वह हमेशा परमानंद से जीता है। अर्थात परमानंद की चाबी भी यही है कि चाहे सुख हो दुख हो, या हमारी जीत हो हार हो, या हमारा कोई अपमान कर दे या हमें कहीं सम्मान मिल जाए, लेकिन हम अपने आप को विचलित कभी ना होने दें, तो हम हर समय परमानंद से जिएंगे। और यह वास्तविकता भी है, मैंने इस चीज़ को अनुभव भी किया है, आप भी इसे करके देखिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय राधे कृष्ण।